हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर साल श्रावण मास की शुरुआत में मीठे से करती हूँ, और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्वीट की रेसिपी जो सुपर डिलीशियस है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में हम 1.5 कप बेसन लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पर पिघला हुआ लेना है, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब सारी चीजों को मिलाकर हाथों से रब करेंगे ताकि मोइन अच्छे से हर एक पार्टिकल में चला जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजरमेंट सबसे जरूरी है। अगर आपने मेल्टेड घी की जगह जमा हुआ घी ले लिया तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोसेस सिंपल है। देखिए, इस तरह से सैंडी टेक्सचर रहना चाहिए, इसमें ज्यादा घी नहीं ऐड करना है। अब एक छन्नी में डालकर इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करने से ही आपका हलवा एकदम दानेदार बनेगा। कभी कभी बेसन का हलवा बनाते वक्त वो एकदम चिकना हो जाता है, अगर ये प्रोसेस करोगे तो वो इश्यू कभी नहीं होगा। देखिए, सारा बेसन मैंने छान लिया है, और ये जो बाकी रह गया है इसको हम मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ कोर्सली ग्राइंड करना है। परफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेज रेडी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिए है, उसको मैंने रफली कट करके लिया है। अब एक छन्नी में डालकर इसको छान लेंगे ताकि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो निकल जाए, और इसको सौते करते वक्त ये जले नहीं। देखिए, इसको हम लास्ट में हलवा के साथ ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। एक पैन में हम 1 कप चीनी लेंगे, और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। अब चीनी मेल्ट होने तक इसको गरम करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया था, उसके सामने 1 कप चीनी ली है। जिस कप से बेसन लिया है उसी कप से चीनी का मेजरमेंट करना है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2-3 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में लाइट स्वीट पसंद है तो मैं 1 कप ले रही हूँ। और एक जरूरी बात, अगर आपको ज्यादा येलो कलर पसंद है तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए, और आज हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ हम केसर ही डालेंगे। देखिए, बातों बातों में हमारी चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है, और इसमें 2 से 3 उबाल आ गए हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर साइड पर रख देंगे। अब फटाफट हलवा बना लेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप घी। घी गरम होते ही इसमें ड्राई फ्रूट्स सौते करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है। फ्रेंड्स, 1.5 कप बेसन के सामने हमने 1/2 कप घी लिया है, अगर जरूरत लगेगी तो 1-2 चम्मच हम बाद में ऐड करेंगे। परफेक्ट, ये अच्छे से सौते हो गए हैं। अब लास्ट में थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। अब हमारा घी गरम है तो सबसे पहले जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है 3 टेबलस्पून रवा। फ्रेंड्स, ये स्टेप सबसे जरूरी है। देखिए, रवा डालते ही वो एकदम फूल के ऊपर आ रहा है। इतना घी गरम होना चाहिए तभी उसका टेक्सचर दानेदार आएगा। और हाँ, यहाँ पर सूजी नहीं लेना है, रवा लेना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद ऐड करना है। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। वैसे ही हमारा घी गरम है तो ये फटाफट सेक जाएगा। देखिए, 1 मिनट हुआ है और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हमने जो बेसन छान कर रखा था वो ऐड करेंगे। अब स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे तरह से लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, गलती से भी यहाँ पर फ्लेम फास्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए, इसको सेकते हुए मुझे सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब 3 चम्मच घी और ऐड करेंगे, और अगेन इसको 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे।
देखिए 3 से 3.5 मिनट जितना हुआ है और ये एकदम फूल गया है और अच्छे से सिक गया है। देखिए पहले का टेक्सचर और अभी का टेक्सचर और कलर एकदम फ्लफी और झाग वाला हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए जिस टाइम पर मैंने दूध डाला है उसी टाइम पर आपको भी डालना है, क्योंकि अगर आप पहले दूध डाल दोगे तो इसमें चिकनाहट आ जाएगी। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, दूध डालते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हमारा सारा दूध एब्जॉर्ब हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, हमने जो ड्राई फ्रूट सौते करके रखे थे वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे तैयार की हुई चाशनी। एक बात का खास ध्यान रखना है, चाशनी 2 से 3 बैचेस में ऐड करनी है, एक साथ पूरी नहीं डालनी है। और एक जरूरी बात, चाशनी डालते वक्त चाशनी हल्के से गर्म होनी चाहिए, अगर वो ठंडी हो गई है तो उसको पहले हल्का सा गर्म कर लेना है, उसके बाद हलवे के अंदर ऐड करना है। देखिए इस तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमने चाशनी नहीं बनाई है, शुगर सिरप बनाया है, और आपको यहाँ पर शुगर सिरप ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सिरप रखना है तभी हमारा रवा और बेसन अच्छी तरह से फूल पाएगा। अगर सिरप कम होगा तो हलवा थोड़ा सा कच्चा लगेगा, यानी कि रो फ्लेवर आएगा। तो ये स्टेप का ध्यान रखना है, जितना मैंने मेजरमेंट बताया है उतनी चाशनी डालनी है। देखिए हमारी सारी चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब सिर्फ घी छूटने तक इसको गर्म करेंगे। 1 से 2 मिनट में घी भी छूटने लगा है और हलवा पैन को छोड़ रहा है, ये इंडिकेशन है कि हमारा हलवा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ये दोनों डालना, ये दोनों चीजें डालनी है। फ्रेंड्स इस तरह ऊपर घी डालना मुझे बहुत पसंद है, ये 1 चम्मच आपके डिश का जायका बदल देगा। फ्रेंड्स देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना यम्मी बना है। फटाफट मिक्स कर लेंगे, सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारे इस पवित्र मास की पहली स्वीट। फ्रेंड्स इस तरह से एक बार हलवा बनाकर देखना, आप भी इसके फैन हो जाओगे। और हाँ अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो भूले बिना लाइक और शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।